दादाजी मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरे बच्चे चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ। रहने दीजिए दादाजी, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। एकदम अपने बाप पे गया है आत्मनिर्भर। दादाजी यहाँ मत मारिए, आपको पता है यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग होता है, उस पर चोट लगी तो इंसान पागल हुआ समझो। मैं तो भूल ही गया था, चलो जल्दी चलो बेटा स्कूल के लिए देरी हो रही है, चलो जल्दी चलो भागो। स्कूल जाओ तो मास्टर पढ़ो पढ़ो कहता रहता है, पढ़ाई से किसका उद्धार हुआ है आज तक, उसके बदले यहाँ आकर खेलो तो कितना मजा आता है ना, इसीलिए स्कूल से भाग आया। स्कूल जाने की बजाय यहाँ आकर बैठा है। अरे वो बिगड़ी हुई औलाद, तुम खुद तो बिगड़ा हुआ है, गांव के सारे बच्चों को ऐसे ही बिगाड़ देगा क्या? मैंने क्या किया है? इतना छोटा है फिर भी जुआ खेलता है तू, रुक जाकर तेरी माँ को बताती। मेरी माँ को तो क्या, जाकर उसकी माँ को भी बता दो। देखा देखा कैसी बातें करता है ये, घर चल बताती हूँ तुझे। चली आई बड़ी। क्या हुआ बहू, बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, इतनी देर हो गई है, विजय अभी तक स्कूल से नहीं आया इसीलिए। इतनी सी बात है, मैं तो कुछ और समझा था। परेशान मत हो, स्कूल के बाद ट्यूशन चला गया होगा, कहता है इस बार फर्स्ट रैंक लेकर आएगा। होता किसका है, गांधी जी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले इस दादाजी का पोता है। देख लेना बहू, बड़ा होकर वो मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ हाँ, बहुत नाम करेगा वो, एक अच्छा इंसान बनकर नहीं बल्कि एक जुआरी बनकर। और क्या रहे हो, अपने पोते के बारे में सुनकर हैरानी हो रही है क्या तुम्हें? उसे स्कूल में आए हुए 20 दिन से ऊपर हो गए। जब मैंने उसे स्कूल नहीं आने का कारण पूछा तो क्या कहा पता है? दादाजी की तबीयत बहुत ही खराब है, माँ घर में अकेली रहती है, इसीलिए मैं दादाजी के पास रहकर उनकी सेवा करता हूँ और माँ का हाथ बटाता हूँ। इसीलिए मैं आपके घर पर आया कि आपका हाल चाल जान लूँ, लेकिन आप तो नहीं, 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 मैं ये सब कुछ नहीं मान सकती। नहीं मान सकती, जरा गांव से बाहर निकल कर देखो, गांव के लड़कों को इकट्ठा करके उन्हें जुआ खेलना सिखाता है। हमारा विजय, मेरा पोता जुआ खेलता है। सिर्फ जुआ नहीं खेलता तुम्हारा पोता, बीड़ी सिगरेट भी पीता है। तुम्हारा पोता खुद तो बिगड़ा हुआ है बल्कि मेरे और गांव भर के लड़कों को बिगाड़ता फिर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं मास्टर, आपका पोता इस मेडल को गिरवी रखकर कुछ पैसे भी ले गया। पिताजी, पिताजी, नहीं, पिताजी, पिताजी। इनके पोते को बुलाओ, वो चिता को अग्नि देगा। नहीं पंडित जी, मैं ही अग्नि देती हूँ। दादा की उम्र हो गई तो वो मर गए, उसकी वजह मैं थोड़ी ही हूँ। घर जाना ठीक नहीं होगा, अभी माँ मुझसे बहुत गुस्सा होगी, उसे यहाँ खुद ही आने दो, बेटे के बिना कितनी देर रह पाएगी। कौन है? अरे माँ, माँ नाम एक पवित्र शब्द है, दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम पुकारा ना तो मैं तेरी जबान काट दूंगी। आज के बाद से तू मेरा बेटा नहीं और ना ही मैं तेरी माँ। तेरे दादाजी ने ना जाने क्या क्या ख्वाब सजाए थे, सबको तूने चकनाचूर कर दिया। गांव भर में बदनाम होकर गांव के सारे बच्चों को बिगाड़ता है, आज तू खुद को बड़ा जुआरी कहलवा रहा है ना? मैंने सोचा था कि मेरी कोख से एक अच्छा बेटा पैदा होगा, पर तू तो जुआरी निकला रे, जुआरी निकला। चल, चल तू मेरे साथ, छोड़ दो मेरे साथ, बैठ, बैठ यहाँ। लिखो बहन, इसके हाथ पर ले, केस का नाम जुआरी है। नहीं, नहीं माँ। चुप कर माँ, जब जब ये इन अक्षरों को देखेगा तब तब इसे याद आना चाहिए, जिंदगी भर इसे इस बात से घृणा होनी चाहिए। लिखो, जुआरी, तो जुआरी है,
अगर तूने सच में मेरा दूध पिया है ना, तो इस जन्म में कभी भी तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। चला जा यहाँ से। सबकी माँ एक जैसी होती है, कोई काम धंधा होता नहीं है इन्हें। ऐसे चिल्ला रहे हो? अरे कोई मर गया क्या? मरा नहीं, बच गया। इस महान बच्चे ने इसकी जान बचा ली। हाँ लक्ष्मी, हे भगवान, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ये पानी में डूब रही थी, इस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर इसे बचा लिया। कितने पुण्य का काम किया है बेटा, कितने पुण्य का काम किया है। तुम किसके बेटे हो बेटा? मेरी लक्ष्मी की जान बचाई। तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका पाऊंगा। नहीं, अरे अरे, ये लो 10 रुपए, मजे करो। और आप सबों का भी भगवान भला करे, जाइए। हाँ ठीक, चलो भाई बच्ची। चलो भाई, अरे मेरी बात सुनिए, जरा इधर आइए, यहाँ आओ ना। ऐसे कर क्यों रहा है? क्या मजा करूँ मैं? तुम्हारी बेटी की जिंदगी सिर्फ 10 रुपए की है क्या? क्या भीख दे रहे हो मुझे? मैंने किसी कुत्ते के पिल्ले को नहीं बचाया, तुम्हारी बेटी को बचाया। निकालो 1000 रुपए। हजार रुपए? हाँ लड़की है ना, इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर लड़का होता तो 10,000 रुपए मांगता, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद वही तो तुम्हें आग देता। अरे रुको जरा, वहाँ नहीं मारना। वो क्यों? वहाँ पर एक छोटा दिमाग होता है, अगर वहाँ चोट लगी तो इंसान पागल समझो। अरे रे, तुझे सब पता है। देख बेटा, तूने पुण्य का काम किया है और पुण्य का कोई मोल नहीं होता। लेकिन उससे पेट नहीं भरता ना। ए फालतू का दिमाग मत खराब करो, निकालो 1000 रुपए। ये ले 1000 रुपए, आज के बाद ऐसा उपकार किसी को ऊपर मत करना। ये क्या लिखा है? जुआरी। जब मैं माँ की पेट से जन्मा तो कुंडली के हिसाब से मेरा नाम विजय रखा, और उसी माँ को जब मैंने लोगों के सामने नीचे दिखाया तब उसी माँ ने मेरा नाम बदल कर जुआरी रख दिया। हेलो, नो सेंटीमेंट प्लीज। तो ये कोई मामूली लड़का नहीं है। विजय इधर आ। तेरी कहानी मैं पूरी तरह समझ गया। इस दुनिया में तू अकेला है। ए, तेरे जैसे अकेले लोगों के लिए ही इस लक्ष्मीपति ने ये कॉलोनी बनाई है। देख, आज के बाद तू मेरा बेटा और इसका बड़ा भाई। देखो, इस कॉलोनी में किरायेदारों ने बहुत दिनों से किराया नहीं दिया है, वही वसूलना है। बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम वसूल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सेंटीमेंट नहीं है। इसीलिए तू भी तरक्की कर और मुझे भी करने दे। कैसा लगा आइडिया? लक्ष्मी, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, हे माते, तुम यहाँ से जरा भी नहीं हिलना और यहाँ से जाने के भी मत सोचना। यहीं पर बैठी रहना, सदा मेरे घर में रहना माँ। हे माते, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना माँ। माते तुम कहाँ जा रही हो? महालक्ष्मी मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। अरे बेटा, तू है कितना शरारती है, तेरे अलावा ये हरकत कौन कर सकता है? हाँ, साधु जो खाए वो अपना, दूसरों को जो देता है वो संपत्ति, कंजूस जो छुपा कर छोड़ कर जाए वही परम सत्य का उदाहरण है। मैं कंजूस हूँ क्या? और नहीं तो क्या? जरा वहाँ पर देखिए, 1947 में खरीदी हुई अगरबत्ती है पर आज तक नहीं चलाई।
बेटी जब छोटी थी तब आप जो तेल लाए थे लूज मोशन से बचने के लिए उसी को दीपक में डालकर आज तक उसे ही जला रहे हो। फल कौन देता है? भगवान। भगवान की दी हुई चीज को भगवान को अर्पित करें अच्छा लगता है क्या? इसीलिए इंसान की बनाई हुई चीज को मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। ये हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, वो सब तो छोड़। चल बता कहाँ छुपाया है? लक्ष्मी, क्यों रे ये क्या 3000 रुपए कम क्यों है? नोट गिनने के लिए मशीन आती है ये देखा है मैंने, तुमने वजन उठाते ही बता दिया है कि इसमें 3000 रुपए कम है। तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम तो पुरुष नहीं महापुरुष हो, महापुरुष। वैसे उस पेपर वाली ने पैसे नहीं दिए? अरे क्यों नहीं देगी पैसे, फुलन देवी बनकर घूमती जो है वो। पैसे मांगो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है, कोर्ट जाने की बातें करती है। सुन ले, यही सब सुनने के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया है क्या? अब बड़ा कर ही दिया है तो छोड़ दो उसके घर पे। उसके बाद जब मेरे ऊपर रेप का केस ठोकेगी ना, फिर पुलिस हमें यहाँ से उठा ले जाएगी। उसके बाद जेल में इधर उधर झाड़ू मारते रहना, तब जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। पापा मुझे पैसे दीजिए ना प्लीज। देता हूँ, आज मैं तुम्हें कल से ज्यादा पैसे दूंगा। अरे कॉलेज जाने वाले लड़के को 5 रुपए देते हो, शर्म नहीं आती है क्या आपको? देखो ये यहाँ कितनी बार बोला है, यहाँ पर ना एक छोटा सा दिमाग होता है, छोटा सा, उस पर चोट लगी ना तो इंसान पागल हो सकता है। फिर ये पैसे मुझ पर खर्च करना। तू मार खाकर इतना बड़ा हुआ है, उसे 50 रुपए देगा तो बिगड़ जाएगी, ज्यादा पैसे देंगे तो बाहर का खाएगी, उसके बाद हॉस्पिटल में जाएगी, समझ गई? देख मैं नहीं जानता, तू बस जाकर उस पेपर वाले के पास से पैसे लेकर आ, अगर नहीं लाया तो तुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। जा 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 जान जा। बेटी, भारती बेटी। आइए अंकल आइए। बेटी अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी, रॉयल 5-स्टार होटल के रास्ते पर हम सभी लोगों की झोपड़ियां हैं, और अब हमारी झोपड़ियों को तोड़वा कर वहाँ पर वो लोग स्विमिंग पूल, पार्क, मल्टी कॉम्प्लेक्स और न जाने क्या क्या बनवाने वाले हैं, इसलिए वो गुंडे भिजवा कर हम लोगों की झोपड़ियां खाली करवा रहे हैं। मैंने सुना है कि उन लोगों की पहचान ऊपर के लोगों तक है। तो होने दो ना, अगर आप इसी तरह से डरते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम जैसे गरीब लोग उनके सामने आखिर कर भी क्या सकते हैं बेटी, मदद के लिए किसके पास जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पेपर में आर्टिकल दूंगी, जब ये प्रिंट होकर लोगों के सामने आएगा तब खरीदे हुए मिनिस्टर और सपोर्ट करने वाली पुलिस भी हिल जाएगी, उसके बाद वो लोग आकर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सब लोग भले नहीं होते, भलाई का अब जमाना ही नहीं रहा, जिसके पास बल होता है उसके पास हिम्मत नहीं होती, साहित्य सभी के लिए नहीं होता, ऐसा कोई महान इंसान कहकर इस दुनिया से चला गया है। ओहो, उसी को तुम इंग्लिश में कहती हो कि पेन इज पावरफुल देन गन, और लगता है इन तीनों को भी वही समझा रही हो। ग्रेट, फैंटास्टिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अरे महान आत्मा, आजकल का पेपर सिर्फ बिजनेस देखता है, बिजनेस धंधा कितना होता है बस। ये देखो फ्रंट पेज पर आया है, सुपरस्टार हीरोइन का पैर टूट गया, आइटम गर्ल इतने कम कपड़े पहनकर पब्लिक के सामने नाच रही है, और उस पर लोगों का रिएक्शन ये देखो इस तरह से देखते रहते हैं। और तुम आज के जमाने में लिख लिख कर लोगों का न्याय करने निकली हो, ये पेपर तुम्हें पता है कहाँ इस्तेमाल होता है? या तो होटलों में समोसा वड़ा पाव खाने के काम में आता है, या बच्चों की पोटली साफ करने के इस्तेमाल में आता है। ये तुम जैसे अनपढ़ गवार लोगों की सोच है, लेकिन इस देश को बदल देने की शक्ति अभी भी इस पेन में है। हाँ हाँ, बहुत शक्ति है, मैं देख रहा हूँ 1947 से अब तक तुम लोग लिख रहे हो, लेकिन लिख लिख कर क्या उखड़ चुके हो? भगवत गीता, बाइबल, कुरान से तो कुछ असर नहीं पड़ा, अब तुम्हारे इस लिखने से देश बदलने वाला है क्या? तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो खुद जाकर लोगों को जागृत क्यों नहीं करते? मैडम, जागृत उन्हें किया जाता है जो लोग जिंदा होते हैं, मुर्दा लोगों को नहीं। इस देश में जिंदा है ही कौन, इधर उधर सब डेड बॉडी की तरह घूम रहे हैं। खैर एक बात तो पूछना ही भूल गया, वो क्या है ना मैडम, अपना बाप रूम का भाड़ा मांग रहे, दे दो जल्दी। वो ना जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती, जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती होती है वहाँ मैं नहीं होता, मैं नहीं है तो शांति नहीं, शांति नहीं तो शो नहीं, शो नहीं तो पेपर है, पेपर है तो शो नहीं। पागल। दीदी पहले मैं पानी भर लेती हूँ। ठीक है भर लो। दीदी आपके घर में तो कोई भी काम पर नहीं जाता, मुझे घर में बहुत सारे काम निपटाने हैं, पहले मैं पानी भर लूं? हाँ हाँ भर लो ना। गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर। स्टूपिड, जब देखो बकवास करता है। कैसी हो विमला दीदी? मैं अच्छी हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, पहले मैं पानी भर लूं? हाँ? अरे
हो गया काम, देने वाले बहुत कम हैं, देकर बिगाड़ने वाले भी कम नहीं हैं। अपना सारा सब कुछ दे देकर अपना ही दिमाग खराब करके अब खुद की किस्मत पर रो रहा है ये इंसान। वाह वाह, सही कह रहा है विजय, सही कह रहा है। मामा जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को दो ना। ठीक है चलो। देखा ना रहीम भाई, हैं हमारे देश में खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, हमारी जनता खाने को खाना मांगती है, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर नहीं मांगती। हाँ जब तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो ये दुनिया को क्यों नहीं सुनाते, यहाँ बैठकर प्रवचन क्यों दे रहे हो? मुझे ज्ञान है ऐसा तुम पेपर में लिख सकती हो क्या? तुम बिना पेपर वाली कुछ भी बोलती हो। ये देखो, बहुत बार तुम्हारी बातें काफी जागृत करने वाली होती हैं, और ज्यादातर तो तुम कड़वा सच बोलते हो। हंस क्यों रहे हो? अगर ये सारी बातें तुम लोगों के सामने बोलोगे तो मुझे न्यूज़पेपर लिखना ही नहीं पड़ेगा। अभी तुमने ही कहा था ना, गरीब लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, अगर ये बातें तुम लोगों को कहोगे तो वो सुनेंगे। जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मेरा प्रवचन सुनने के बाद सीटी बजाकर तालियां बजाकर घर जाकर चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। लो शुरू हो गया मेगा सीरियल, पूरे गांव में जाकर चिदोरा पीटती रहती है। क्या करें, मैं तो पानी लाने गई थी, वहाँ क्यों गई थी, क्यों गई थी वहाँ? पानी हट यहाँ से, पानी ही जा चुका था। पूरे गांव को कहती है मैं तेरे साथ बुरा करती हूँ। भैया भैया को बचा लो, वो मर जाएगी। भैया डरना और मरना दोनों बातें एक बराबर है, तू बता जिंदा रहना या डरना है? जिंदा रहना है ना, तो जा जाकर अपनी माँ को बचा। मैं छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता? क्या छोटा है, अबे परसों सड़क के ट्यूबलाइट को पत्थर से तूने ही तोड़ा था ना, उसी तरह से पत्थर उठा और अपनी चाची का सर फोड़ दे और अपनी माँ को बचा ले जा। अरे मेरा सर फोड़ दिया, हाँ देखो कितना खून निकल रहा है। क्या हुआ दीदी? पापी। तुम्हें रक्षा करना भी आता है और पिटवाना भी, न्याय अन्याय किसे कहते हैं ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम क्यों इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? उठो और साथ ही दुनिया को भी उठाओ। गांधी जी, नेता जी, सावरकर, भगत सिंह, इन लोगों की तरह बन सकते हो। हे माँ मुझे माफ कर दे, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मुझे असामान्य बनने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी चाय पीता हूँ और अच्छा खासा अपनी जिंदगी गुजार लेता हूँ। भगवान के लिए मेरी जिंदगी से मेरी खुशियाँ मत छीन, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे माँ, मुझे अच्छा खासा खाने पीने दे, वड़ा पाव खाऊंगा, अपनी जिंदगी गुजारूंगा, नहीं तो मैं तेरे रोज रोज पैर धोकर पानी पीऊंगा, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे माँ। क्या कर रही है तू, रुक सही पैर पड़ने दे। क्या यार सारा मूड खराब करके रख दिया, कैसी लड़की है, अच्छा खासा आराम से बैठा हुआ था। ए भाई एक स्पेशल चाय दे दे भाई, शांति से चाय भी नहीं पीने देती, जनता को सुधरने चली हाई बड़ी। ए चंदू, ए एकदम तैयार हो गए ना, 10 बजने वाले हैं, तुम्हारी लवर आने वाली होगी। वो क्या है कि आज मैं नहाया नहीं हूँ और अगले 10 दिनों तक नहाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ए वेटर, इतना टाइम क्यों लगाया बे? क्या है कि मैं तैयार हो रहा था, वैसे ये टेबल पैर रखने के लिए नहीं है, खाना खाने के लिए हटाए नहीं। यहाँ से हटाकर तेरे सर पे रख दूँ क्या? रख तो सकता है, लेकिन पार्टी वालों को पता चल गया तो चलने के लिए पैर नहीं रहेंगे। ऑर्डर दे। एक प्लेट इडली लेकर आ जा। एक प्लेट इडली, ये ले, ये ले, खा ले। चटनी कौन, तेरा दादा लेकर आएगा? ये ले चटनी। ओए, चटनी यहाँ डालते हैं क्या? तू कहाँ डालता है? इडली के पास डालते हैं। इतना ही ना, ये ले अब खा ले। तो फिर ये प्लेट किस लिए है? इसे भी हटा दिया। ओए, तू बहुत शाना बन रहा है ना। हाँ वो तो मेरी लवर आ रही है ना, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ, वरना तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। पैर हटा, नहीं तो मुझे जान जाएगा। भाई तुम्हारी लवर। हाँ?
वेलकम वेलकम टू पैराडाइज। नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू? थैंक यू। इट्स माय प्लेजर, प्लीज कम इन। ओके कम कम सिट। सॉरी लेडीज सेपरेट, बैठ गए। ये गधे और घोड़े जो हैं टेबल पर जो भी डालो खा लेते हैं। यू डोंट वरी, आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं खुद लेकर आऊंगा। हेलो दुबई से राजन भाई, कैसा है? क्या हुआ, आपका पेट्रोल का कुआं सूख गया तो 10 करोड़ का नुकसान हो गया? तो उसके लिए भी कोई रोता है क्या? सिर्फ 10 करोड़ की तो बात है। वैसे भी मैं अगले महीने तेरे बर्थडे पर आ रहा हूँ ना, तो मैं उसका नुकसान का 10 करोड़ रुपया तुझे गिफ्ट कर दूंगा मेरे भाई। तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। इसकी बातों से ऐसा लगता है ये काफी अमीर बंदा है। कैसे भी करके इस वेटर से पीछा छुड़ा कर इसे पटाना होगा। इसके तो रिएक्शन चेंज हो रहे हैं, ये तो इसके झांसे में आ रही है। कैसे भी करके मुझे इसे इसके चंगुल से बचाना होगा। मुझे भी इसकी तरह कुछ बड़ा बड़ा फेंकना होगा। हम इसे नहीं छोड़ने देंगे। इन सबके घर पर बुलडोजर चलाने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। खुद को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समझती है क्या? चुपचाप साइड हो जा, वरना देखिए। मैं कौन हूँ तुम जानते हो? तू कौन है उससे हमें क्या? हमारे रास्ते में जो कोई आएगा हमें उसे उड़ा देंगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुंडों से लड़ी एक महिला, वाह 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 वाह, क्रांतिकारी बनी एक महिला, दूसरों का भला करते करते खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठी ना। भारती, कैसी रही तुम्हारी आरती? भैया, तुम भी ना। हाथ में पेन क्या आ गया? तो लिखती चली गई, जैसे एक ही महीने में सारी गांधीगिरी दिखा देगी सबको। किसने बोला समाज के बारे में अच्छा सोचने के लिए? बताओ आखिर में क्या मिला तुम्हें? टूटी फूटी सरकारी खटिया, ये थर्ड क्लास ब्रेड का पैकेट और जल्दी एक्सपायर होने वाली दवाइयाँ। राइटिंग की जगह अगर टाइपिंग सीखी होती तो क्लर्क की जॉब मिल गई होती भारती। हाँ, नोट दिस पॉइंट, पेन के भरोसे बर्बाद हो जाओगी। क्या है ये, तुम मेरी टांग खींचने आए हो या फिर मेरी तबीयत पूछने? टांग उसकी खींची जाती है जो लोग खड़े होते हैं। तू तो ऑलरेडी लेटी हुई है, तेरी टांग क्या खींचनी? हाँ, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़े दिनों बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाएगा, देखना तू। छोटे बच्चे रोड पर गोटियाँ खेलेंगे, मजदूर लोग काम नहीं करेंगे। हाँ, फिर क्या होगा, कहीं पर 5-स्टार होटल भी बन जाएगा, तब आदत से मजबूर लोग सड़क के किनारे पेशाब करेंगे, उसे देख कोई फॉरेनर वीडियो शूट कर लेगा और अपने लवर को दिखा के बोलेगा सी दिस इज पुअर डर्टी इंडिया। ये सब हमें चाहिए क्या? वो तो ठीक है, ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो? चलो डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाता हूँ। बहना जरा लाना तो ये लो। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? एनीवे थैंक यू। थैंक यू मुझे मत बोलो, इस दुनिया के सबसे बड़े कंजूस आदमी को थैंक यू बोलो, इसके बाप को। वो क्या हुआ ना कि जब मैं अपने बाप से पैसे मांगने गया तो उन्होंने बोला कि जा यहाँ से, भारती से पैसे वसूल करके ले आ। अब आपकी ऐसी हालत में मैं आपसे कैसे पैसे मांगू? इसलिए मैं 100 रुपए खर्चे करके 3000 रुपए मांगने के लिए आया हूँ। यू नो गिव एंड टेक पॉलिसी दे दीजिए ना। ओहो, तो तुम लोग मेरी तबीयत पूछने आए हो या फिर तुम दोनों भाई बहन मिलकर वसूली करने आए हो? अरे मारो मत, अरे क्या कर रहे हो? गेट आउट, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भैया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ऐसी हालत में उससे पैसे मत मांगो। अरे मुझे क्या पता था कि ये भी टांग दे देगी। तू जरा रुक, मुझे सोचने दे। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर। यस। तू एक मिनट रुका। डॉक्टर सूर्य नारायण। हाँ, आप कौन है? मैं हूँ मुन्ना भाई MBBS, मैं यहाँ सभी को जानता हूँ। What nonsense you are talking? What medicines you are selling? Medicine? मुझे सब पता है कि इस सरकारी अस्पताल की medicines तूने अपने प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफर करके रखी है और यहाँ के सारे महंगे महंगे इक्विपमेंट तूने अपने अस्पताल में रखे हुए है ना।
देखा पैसों का जुगाड़ हो गया सिस्टर, चल अब कमॉन 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 फॉलो मी। भैया ये तो मुझे कहाँ ले आए? अरे मेरे पास है 500 रुपए, तुझे चाहिए 3000 रुपए। अब इन 500 रुपए को भी तो 3000 रुपए बनाने पड़ेंगे ना। तू इधर इधर हाँ यहाँ पे बैठ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ चल बैठ। ए छोटू इधर आ, देख मैडम के लिए एक अच्छा सा जूस बना के लेके। अच्छा जा, तू यहाँ बैठी रहे, मैं इसे 3000 रुपए बना के लाता हूँ। मैजिक देखना, मैजिक जल्दी आना। खेलो खेलो खेलो, पैसे निकालो। चल इधर ला। तुम बैठोगे? मैं सब जानता हूँ तुम लोग कैसे क्या करते हो। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। तुम ही आज डालो। चल खेल शुरू कर। पता नहीं आज मेरी दोनों आंखें फड़क रही है। अरे भाई लेफ्ट फड़के तो अशुभ होता है, राइट फड़के तो शुभ होता है, तेरी तो दोनों ही फड़क रही है। इधर देखो इधर देखो, ये फड़का फड़की देखो, फड़का फड़की देखो, मेरी आंखों में गई गई आई आई आई। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखें फड़क रही है। देखो देखो देखो, इधर देखो इधर देखो, ये आ गई ये आ गई आ गई, ये फड़का फड़की फड़का फड़की फड़का फड़की, ये हो गई हो गई हो गई हो गई, ये फड़का फड़की मेरी आंखों में देखो अगले देखो। 500 के नोट। हाँ मेरे भी। मेरा 1000। मेरा भी 1000। ये लो 1000। ओके पट्टी उठा। ए ढंग से देखने यार, क्या कर रहा है? अरे दो के। अरे रुक जा मेरे पास रनिंग कार्ड है। हाँ मुझे तो खोलने दे। ये ले पूरे 5000 रुपए, 3000 तेरी फीस के और बाकी तेरी पॉकेट मनी के लिए। इतने पैसे? थैंक यू भैया। नमस्कार, बैठ जाइए बैठ जाइए। भाइयों और बहनों, हमारे देश में न जाने कितने मंत्री आए और चले गए, न जाने कितने ही भ्रष्ट थे और न जाने कितनों ने दंगा फसाद करवाया। ये सबसे विश्वसनीय मंत्री हैं और इनका चुनाव चिन्ह है चावल का मटका। हमारे पाटिल साहब, हम सबका वोट चावल के मटके को। चावल का मटका, चावल का लोटा, चावल के मटके को दीजिए वोट, वोट दीजिए चावल के मटके को। आपके वोट से ये जीतेंगे, चावल ये खा जाएंगे और आपके लिए छोड़ जाएंगे खाली मटका। हमारी पार्टी के नेता जो चंद्रशेखर जी हैं, ये बड़े क्रांतिकारी हैं। इनका चुनाव चिन्ह है झोपड़ा। प्रिय बंधु, पता है हमने इस झोपड़े को हमारा चिन्ह क्यों बनाया है? हम चाहते हैं कि ऐसे झोपड़े में कोई न रहे, हमारे देश में खूब तरक्की हो और सबका अपना पक्का घर हो। सर्दी बरसात गर्मी से आपको सिकुड़ते हुए देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इनकी नहीं, आपकी झोपड़ी है, सिर्फ आपकी झोपड़ी। इनका झोपड़ा नहीं, इनका तो महल है। जैसे ही ये आपसे मिला हुआ वोट जीतेंगे, ये आपको झोपड़े से रास्ते पर ले आएंगे। इस हाथ से ले और इस हाथ से दे, बजाओ ताली। कौन क्या करता है वो तो आगे देखेंगे। इस बार आपका कीमती वोट हमारे नेता को देकर तो देखिए, हम आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ दीजिए, इन्हें ही अपना कीमती वोट दीजिए, इन्हें ही अपना नायक चुनिए चुनिए। आज नहीं तो कल ही आपकी सेवा करने ही वाले हैं। ऊपर से भी सेवा, नीचे से भी सेवा, दाएं से सेवा, बाएं से सेवा, आज तक इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है सेवा में। फिर भले ही वो सेवा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, सेवा 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 सेवा, कल भी सेवा आज भी सेवा। बजाइए ताले। भाइयों और बहनों, अंग्रेज जब हमारा देश छोड़कर चले गए तो कम से कम हमारा घर तो छोड़कर गए, लेकिन ये महान लोग अपने वोट के लिए अपना मान, ईमान, धर्म, घर, लोग, इस पूरे देश को ही बेच के खा जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, मारवाड़ी, मद्रासी, दारूबाज, सट्टेबाज, पुजारी, पादरी, सुधार, फेरे वाला, जरी वाला, चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, जूस वाला, दारू वाला, ये सबको मिलाकर ये प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम, यहाँ का प्रॉब्लम, वहाँ का प्रॉब्लम, हर तरह का प्रॉब्लम, दुनिया के हर इंसान का प्रॉब्लम, और न जाने किसका किसका प्रॉब्लम। अरे वापरे वापरे वापरे, दुनिया के हर इंसान का प्रॉब्लम दूर करेंगे, इस बात पर बजाइए ताले। ओए चिंदी लाने के लिए बोला था, तू तो WWF वाले को उठा लाया। बापरे अगर इसके सामने गया तो ये तो मुझे खटमल की तरह रगड़ के रख देगा। अरे बापरे। भैया आप डरिए मत, मैंने ना सब सेटलमेंट कर दिया है, आप क्यों डरते हैं, जाइए। ए, ए चिकनी रुक जा जरा।
लता लता यू डोंट वरी, मैं शरीफों के लिए शरीफ दुश्मनों का दुश्मन हूँ। तुम्हारी जैसी इज्जतदार लड़की पर इसने नजर उठाई, इस लुच्चे लफंगे को मैं मसल के रख दूंगा। यू जस्ट वेट एंड सी व्हाट आई विल डू। ओके, अपने आप का गुंडा समझता है? सर पे एक भी बाल नहीं है, नकली मुझे लगा कि अपने आप को मर्द समझता है, लड़कियों को छेड़ता है तू? अपना चश्मा उतार दे, लगता है तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। समझा कि अपनी शक्ल आईने में देख और जाके कहीं भर्ती हो जा, जा। देख भाई, ₹1000 दिए हैं, ओवर रिएक्ट करने का नहीं है। 1000 लिए हैं तो थोड़ा बहुत मार ले, बोल ले, उसके बाद मारा तो मारूंगा। सिर्फ ₹1000 तक सुनेगा, लगता है तू प्रीपेड कार्ड है क्या? नहीं रे, मैं प्रीपेड गुंडा हूँ। ये क्या है? वो दिखने में कुतुब मीनार और ये छोटी सी गुठली, ये कैसे हुआ? तेरे जैसे गुंडे 1000 देखे हैं, ये ले। तेरे ₹100 कट गए, 900 तो बचे हैं, अब ये ले खली का पंच। ₹200 कट हो गए, 800 तो बचे हैं, ये ले जैकी चैन की लात। ये 300 कट हुए, 300 कट गए, ये ले जेटली टपा। अभी सारे कट। अबे क्या जेटली ISD कॉल है, एक ही बार में इतना कट जाता है, अभी धर्मपाजी तो बाकी है। बहुत ज्यादा हो गया, ₹250 और दे दूंगा, मेरी इज्जत रख लो भाई, बस एक बार। चल भाग यहाँ से, वरना तेरी हालत टाइट कर दूंगा, तेरी बस्तर उठेली कर दूंगा, मैं मुंह दिखाने के लिए। एक्सक्यूज मी, आपके पास लाइटर है? व्हाट? सॉरी लता, मैं किसी और को समझ बैठा। रोज प्लीज। यू? गलती हो गई, रोज प्लीज, सॉरी। मान जा मेरी मैना, अरे ये गुलाब लेती जाना। अंकल कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? खुद मेहनत कर, जा यहाँ से। दो ना अंकल, बहुत भूख लगी है अंकल, दो ना, दो ना। तुझे ले जाकर जंगल में छोड़ दूंगा, वहाँ भेड़िया खा जाएंगे तुझे, चल जा यहाँ से। बेटा चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या? एक हाथ नहीं है इस बच्चे का और तुम इसे धक्का मार रहे हो। बेटा बहुत भूख लगी है क्या? मैं तुझे खाना खिलाती हूँ, आजा डर्टी पीपल। ये क्या कर दिया, ये तो लेने के देने पड़ गए। आहा, सेंटीमेंट से लड़की पिघल जाती है। लक्ष्मी कल तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। सॉरी विकी, मेरे पापा तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तुम्हें तो पता है ना कल मेरा बर्थडे है। इन एडवांस हैप्पी बर्थडे डियर। ऐसे फोन पर मैं नहीं मानने वाला, तुम्हें मेरे घर पर आकर मुझे विश करना होगा, वरना ये मेरा लास्ट बर्थडे होगा। ये सब कुछ क्या है? गिफ्ट तो बड़े सुंदर सुंदर है, क्या समाचार है, किसके है ये? मेरी क्लासमेट के, विकी के है। ओहो, ये ताजमहल, ये नेकलेस देखने से तो लग रहा था कि ये किसी क्लासमेट के नहीं है। कुछ और ही बात है झूठे, कुछ तो छुपा रही है तू। भैया मैं तो तुम्हें बस बताने ही वाली थी, उससे पहले तुम्हें खुद पता चल गया। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ भैया, और वो भी मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, झूठी झूठी, मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। वैसे लड़का हमारे लेवल का है कि नहीं, तो उसे भी वैसा ही गिफ्ट देना पड़ेगा ना। सही कहा। एक मिनट रुको। मेरे भाग्य की लक्ष्मी माता, सौभाग्य की लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता तू भाग्य विधाता। आता हूँ, आता हूँ। धनम दे यशम दे लक्ष्मी माता, शुभम करोति यशम करोति लक्ष्मी माता, तू मेरी तिजोरी में रहना, मेरे घर से कभी न जाना, हे माता मैं शरण जाऊ तेरी। धूपम दीपम फल तांबुल समर्पयामि। ये ले ₹10,000, तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर उसे मनपसंद गिफ्ट दे दीजिए। थैंक यू भैया। अच्छा, इतना बड़ा झोल करने के लिए सिर्फ थैंक्स? मुझे पार्टी में नहीं लेकर जाओगी? अपने बॉयफ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? तुम भी आओगे? और क्या, तेरे बॉयफ्रेंड को मैं भी तो देखना चाहता हूँ। भैया।
बताया अच्छे लड़के को बताया तूने। देखा तेरी वजह से मैं भी दुबई देख पाया। ये लीजिए दुबई स्पॉट। ये सब मैं नहीं पीता। वो क्या है कि मैं भगवान शिवजी की पूजा करता हूँ, वैसे भी मैं अकेला हूँ। आप जाइए एंजॉय कीजिए दोनों। अरे किसने कहा आप यहाँ अकेले हैं? मैंने आपके लिए भी सारे इंतजाम कर रखे हैं। मेरे लिए? हाँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या अभी तक आप सो रहे हैं? विके, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती पूरे दिन मैं कोई काम नहीं कर पाता। मुझे आपसे कुछ काम है पापा। कैसा काम? पापा थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए ना, ये लो जितने चाहिए उतने निकाल। थैंक यू पापा, लव यू, बाय पापा। मेरे को टोपी पहनाता है। मेरे 10,000 रुपए कहाँ गए? 10,000 रुपए निकाल, निकाल मेरे पैसे। आप रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। मैं लक्ष्मीपति को बना दूंगा करोड़पति। हाँ। करोड़पति? ए, मैंने तुझे छोड़ दिया ना, तो तू मुझे लूट कर रोड पर ला देगा। चल मेरे घर से बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं। अगर तुम मुझे थोड़ा भी खाना नहीं दोगे तो क्या भगवान तुम्हें माफ करेगा? खाना? नो सेंटीमेंट, तू मुझे बेवकूफ बनाता है। लक्ष्मीपति को, चल घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, नहीं मिलेगा खाना वाना, चल बाहर। आपको माफ नहीं करेगा। लक्ष्मी तुम बुरा मत मानना माता, मुझे बहुत टेंशन हो गया है। चलता हूँ भाई। ए सब अंदर रखो, टाइम हो गया, लाइट बंद करो। नमस्कार अहिम भाई। नमस्कार। सिगरेट दीजिए। इंसान को दो वक्त का खाना ना मिले तो नींद नहीं आती ना। ए बेवड़े, मैंने तुझसे आकर भीख मांगी है क्या? इस देश में हजारों लोग उपवास करते हैं, अगर आज मैं भूखा सो जाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, समझा? ए, ज्यादा बकवास करेगा ना तो सर पे जो बचे वाले वो भी निकाल दूंगा। चल निकल। खाओ तो बातें करते हैं, नहीं खाओ तो भी बातें करते हैं साले। मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, खा लीजिए। तूने खाना खाया क्या? मैंने तो अपने हिस्से का खा लिया, ये माँ के हिस्से का है। राजू तूने मुझे मामा कह दिया ना, इसी से मेरा पेट भर गया। चल जा, जाके अपनी माँ को खाना खिला दे। ए, ए, चल 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 बाहर निकल। छोड़ दो मुझे, मेरी माँ को छोड़ दो, इसके जैसे लोगों की वजह से तो आजकल गुंडों की हिम्मत बढ़ गई है। तमाशा देखकर तू हंस रहा है कमीने, डरपोक कहीं का? डरपोक मैं नहीं बल्कि डरपोक तो तू है। आज तू सोच रही है कि मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन कल कौन बचाएगा तुझे? तू अकेली सती सावित्री सक्कूबाई औरत नहीं है, वो दुर्गा काली माता भी एक औरत थी। सिर्फ इतना ही नहीं, झांसी की रानी भी एक औरत थी। औरत के नाम पर सिर्फ दुपट्टा सर पे ढकने से कुछ नहीं होने वाला, हिम्मत दिखानी होगी। ये लोग तुझ पे जुर्म करेंगे तो तुझे सहना नहीं है। मुझे बचाओ करके लोगों को इकट्ठा नहीं करना होता है, सामना कर उनका, वार कर उन पर। ये हुई ना बात, चल उठा लाठी और मार उनको। मार सालों, मार, उनको भी मार। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। मार से। जवाब बेटी। सबको मार। हाँ, वो तक दूसरा। हाँ मार। ये हो गया तगड़ा सीन, एकदम एक्शन। देखा तुम्हारी बातों में कितनी शक्ति है, सिर्फ तुम ही लोगों के मन में क्रांतिकारी विचार जगा सकते हो। क्रांतिकारी विचार? ए, इस देश में तो बीड़ी चलाने के लिए भी दूसरों से माचिस की तिली मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात करती है। ए, कौन है बे? तेरा बाप। ए, कंजूस पापा, इस तरफ ना एक छोटा सा दिमाग होता है, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने? दे दे भाषण, दे भाषण, देकर एमपी बनना। भाषण देगा तो खाने को मिलेगा। तूने नहीं खाया तो तेरी बहन ने नहीं खाया, तुम दोनों ने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया।
चल चल चल। वो ना मैं। अरे चल, मैंने कहा ना। अरे पापा बात तो सुनो। किट्टू। लता। क्या हुआ? काट दिया। किसने? उस गुंडे रंगा ने। उसने मुझसे बदला लेने के लिए पीछा किया। एक सुंदर से बाग में एक फूल देखकर तुम्हारे लिए तोड़ने जा रहा था, उसी वक्त वो धोखे से मेरे पीछे आकर गब्बर सिंह की तरह उसने मेरे दोनों हाथ काट लिए। एक हाथ से गुलाब निकाल कर उसने अपनी प्रेमिका को दे दिया। सॉरी डाली, वो फूल मैं तुम्हारे लिए नहीं ला सका। लड़कियों की भलाई के लिए तू पैदा हुआ ही ये सोच कर तू बहुत ज्यादा इतराता था ना। अब क्या हुआ, क्या हालत हो गई है तेरी? सिंगल हैंड गॉन, डबल हैंड गॉन, नो फूडिंग, नो वॉशिंग। अब तू सिर्फ आंसू ही नहीं बहाएगा, खून के आंसू बहाएगा, खून के आंसू। मेरे किट्टू, मेरे लिए तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। लता, तुम्हारे लिए दोनों हाथ कटवाना कोई बहुत बड़ा त्याग है क्या? मतलब? मतलब लता कि मैं तुम्हारे लिए अपनी दोनों टांगे भी कटवा सकता हूँ। किट्टू, मैं अपनी दोनों आंखें निकाल कर कौओं को खिला सकता हूँ। मेरी किट्टू, आंख कटी है क्या? ये भी कटवा दूँ? सिर्फ इतना ही नहीं, अपने शरीर के हर हिस्से को पीस पीस काट के कुत्ते के सामने फेंक सकता हूँ। लता किट्टू, यू आर रियली ग्रेट। किट्टू रियली यू आर ग्रेट। देखिए बिल्डर साहब, मैंने आपसे क्या कहा था, ये जमीन एमपी साहब को पसंद आ गई है, ये जमीन उनको चाहिए। देखो भाई, इस जमीन की कीमत पूरे 50 लाख रुपए है और आप मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? मेरी जुबान से ज्यादा तेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है क्या? चुपचाप अगर तूने इस पेपर पर साइन नहीं किया तो जहां तू भूमि पूजन कर रहा है ना, वहीं पर तेरी समाधि बनाऊंगा। भैया नहीं, भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। सुनो जी, सुनिए, ये जमीन आप इन्हें दे दीजिए, भगवान के लिए मेरी बात मान लीजिए, हमें नहीं चाहिए ये सब। इस औरत में जितनी बुद्धि है तुझ में नहीं है उतनी, तू कैसे जिंदा रहेगा? ए रामदास, चल लगा अंगूठा। मैं नहीं लगाऊंगा अंगूठा, लगाऊंगा तो सिर्फ 50 लाख रुपए लेने के बाद, वरना ये जमीन नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। तुझे जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं और हमें? हमें भी प्यारे हैं। तो फिर तुम लोगों में से जो भी इसे पहले मारेगा उसे मिलेंगे 5 लाख रुपए। सुनिए, रुक। थैंक्स भाई, वाह। ठीक है सर, मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। हाँ नमस्कार। कौन है ये?
लक्ष्मीपति योगी लक्ष्मीपति अबे कैसा है तू, क्या चल रहा है? देखो भाई, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, लेकिन तू बता। हाँ। अरे यार, मैंने सुना है लोग पैसे आने के बाद मोटे हो जाते हैं, लेकिन तू तो वैसा ही है। ये तुझे याद है ना, बचपन में हम लोग मिट्टी का घर बनाया करते थे। अब देख, योगराज बिल्डर, तुम तो वाकई बहुत बड़ा आदमी बन गया है यार। क्यों है? यही खड़े होकर बातें करेगा अंदर भी? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ, सब कुछ लेकर अंदर आ जाओ, अंदर आ। चलो चलो। देखो भाई, तुम्हारे लिए बॉर्न बेटा, हॉर्लिक्स, ये सब चीजें मैं नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए ना शुद्ध दूध और गाजर का हलवा बनवा सकता हूँ। अबे तू वैसा का वैसा ही कंजूस है, इस जन्म में नहीं बदलने वाला है। क्या है ये सब, फूल फल मिठाई कपड़े, किसके लिए? मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। तेरी इकलौती बेटी है और मेरा इकलौता बेटा, अब वो क्या है कि जो कुछ तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो सब तेरा है। सही कहा ना? वो कैसे हो सकता है? सिंपल, अभी तक जो भी जायदाद मेरी है, शादी के बाद वो सब तेरी बेटी का ही तो होगा। शादी के बाद? हाँ दोस्त, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता है। अगर दोनों प्यार करने वालों की शादी कर दी जाए तो दोनों खुश रहेंगे, और वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, क्यों? इसलिए तू अपनी बेटी का कन्यादान करके उसे मेरे घर की बहू बना दे। बस अपनी बेटी को इसके घर की बहू बना दो, ये तो बड़े भाग्य की बात है। अरे भाई, क्या क्या सोचने लगे तुम? मेरा संबंधी बनने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है यार, तू जिस दिन बोलेगा ना उस दिन अपनी बेटी को तेरे घर में बिठा दूंगा। इसे कहते हैं दोस्ती, इसे कहते हैं। अब तो तू बादाम वाला दूध पिएगा ना? जरूर पीऊंगा, जरूर। एक मिनट रुक। यहाँ की पॉलिटिक्स तो आपके हाथ में है, सबसे आगे निकल गए हैं आप। मैं तो निकल ही गया हूँ, लेकिन आगे का सब कुछ आपके हाथों में है। अगर आप चाहें तो चुटकियों में सारी चीजें वश में हो सकती हैं। अरे हो क्या सकती है योगी, समझो। है सही कहा ना मैंने? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो क्या कोई खाली जमीन है जहाँ 3 विकेट लगा के क्रिकेट खेल सकते हो? 10 साल से जो लोग वहाँ झोपड़ पट्टियों में रह रहे हैं उन्हें तुम वहाँ से कैसे हटाओगे? 10 साल से जो काम नहीं हो पाया उसे 10 मिनट में करके दिखाया मैंने। अब तुम देखना, आज रात को सारे के सारे खाट पर सोए होंगे, सब जलकर खाक हो जाएंगे। मतलब तुम वहां पर आग लगा दोगे? नहीं रावत, ऐसा मत करो, ये इलेक्शन का टाइम है। हाँ। वो एरिया मेरा वोट बैंक भी है। बिल्कुल, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। अगर दंगा होगा तभी तो लोग बिगड़ेंगे, कंफ्यूज होंगे और तुम्हें वोट देंगे। परेशान भी हम करेंगे, सहायता भी हम करेंगे, ऐसी ही तो होती है ना हम नेता लोगों की राजनीति, है ना? सिर्फ हिंदुओं के घर में आग लगाओगे और तुम मुसलमानों को, याद रहे, भूलना मत। हाँ चलो चलते हैं। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ, आप जल्दी यहाँ आ जाइए।
लक्ष्मी नगर झोपड़पट्टी ना, वहाँ पता है वहाँ आग लगी है। तुम लोग 50 बार फोन कर चुके हो, अब से कुछ नहीं होगा। रखो फोन। तो आप लोग कब आएंगे यहाँ? ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम आएंगे। यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप लोग यहाँ जल्दी आइए प्लीज। आ जाओ कविता, आ जा। कितनी प्यारी है तू, कितनी प्यारी है। हाँ, क्या बोले? लक्ष्मी नगर में दंगा हो रहा है सर। सर, हेडक्वार्टर से फोन भी आया, आपको अभी निकलना होगा सर। हेडक्वार्टर के मैसेज में नाचने वाला नहीं हूँ मैं। सुन, पहले मेरा मैसेज सुन। तू वो लक्ष्मी नगर को पूरा जल के राख हो जाने दे, और सबसे पहले उस वायरलेस फोन को ऑफ कर दे। और कोई अगर पूछे तुझसे तो बोलना कि वायरलेस नेटवर्क खराब है ना जाने मन। अब तू जा। किसकी बीवी, न जाने किसकी बेटी है। यहाँ सबकी लाशें अनाथों की तरह पसरी हैं। यहाँ आज हजारों बच्चे अनाथ हो गए। जरा उस तरफ नजर डालकर देखो विजय, क्या भविष्य है उन बच्चों का। पर इन सारे लोगों की अर्थियों में भी तुम अपनी खुशी ढूंढ ही लोगे ना। कल सरकार इन लोगों को मुआवजा देगी, आधा जला तो 50,000, पूरा जला तो 1,00,000, सिर्फ हाथ चला तो 15,000, और घर चल गया तो 50,000। अरे, आज तुम हंस नहीं रहे हो? हंसो ना, जोर जोर से हंसो, यही तो तुम्हारी आदत है ना। ये सब रुकने वाला नहीं है विजय, आज यहाँ हुआ है कल वहाँ होगा, लेकिन तुम हंसो। तुम सही कहते थे, ये सब लोग जिंदा लाश की तरह ही हैं। इसलिए आज ये ऐसे पड़े हैं। लेकिन आज ये किसी और की वजह से सोए हैं यहाँ, लेकिन तुम हंसो। देखो, हमारे समाज को देखो, यहाँ के इन सारे लोगों को और हमारी गवर्नमेंट को देखकर हंसी आती है ना तुम्हें। इस समाज के लिए, इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने में मुझे खुशी मिलती है, तो मैं वो करती हूँ। मुझे गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी यही किया था, इसलिए वो आज भी इनके दिलों में है। लेकिन इन सब बातों से तुम्हें क्या मतलब विजय, तुम्हें तो सिर्फ हंसना आता है। हंसो हंसो विजय, हंसो। तुम्हारी आंखों में क्रांति की ज्वाला दिखती है, ऐसा कहा था ना मैंने, उसके लिए हंसो। तुम्हारी बातों से लोग जागृत होंगे, ऐसा कहा था ना, वो मेरी मूर्खता थी। हंसो विजय, हंसो 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 हंसो। कैसे हो किट्टू? कैसे हो पूछ रही हो? लेफ्ट हैंड ना हो तो राइट से काम किया जा सकता है, राइट हैंड ना हो तो लेफ्ट से काम किया जा सकता है। मेरे तो दोनों हाथ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। अब क्या करोगे किट्टू? ये मुंह है ना, इसी से काम चला लूंगा। बट बट क्या मंगाऊं, चाय या कॉफी? मुझे अब से कोई भी काम करवाने का मन नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मत लो मेरा दिल रखने के लिए, मेरे हाथ से कुछ भी कर। ए वेटर, मैडम को फोर्स क्यों कर रहा है बे? चल जा, मेरे लिए 2 समोसे लेकर आ। अरे जाना। अगर मनुष्य का जन्म मिला है
तो बॉडी का हर पार्ट परफेक्ट होना चाहिए। अगर एक भी पार्ट परफेक्ट नहीं है तो लाइफ ठुश हो जाती है ना? ए, वहां ला कर क्यों रखा? दिखाई नहीं देता मैं यहाँ हूँ। प्लेट को इधर ला। ए, ये तेरे गंदे थूक वाली प्लेट है, अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो दूसरी प्लेट लेकर आ। देख भाई, तेरे जैसे लोगों के लिए हमारी सरकार नौकरी दे रही है। मैं तुझे एक लेटर देता हूँ, तू जा वो लेटर दे और वहाँ जाकर काम कर। मेरा नाम बताना, तेरा काम हो जाएगा। यहाँ प्लेट गंदी करना बंद कर। Stop it. What rubbish are you talking? मैं कब से देख रही हूँ, दो हाथ नहीं होते हुए भी वो अपने स्वाभिमान से जिंदा रह रहे हैं, लेकिन आप इसे नीचा क्यों दिखा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? लुक, आपको कोई भी लेटर देने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको अब से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। काम नहीं करूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? भीख मांगने के लिए मेरे दो हाथ भी नहीं है। भगवान, आप क्यों भीख मांगेंगे? देखिए, आज से मैं आपका ख्याल रखूंगी, मैं आपका ध्यान रखूंगी। चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। मैं था कुंवारा, किस्मत का मारा, मेरी खुद की गर्लफ्रेंड वेटर के साथ चली गई, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी नगर को जलाकर राख कर देने की खुशी में चीयर्स। हिंदुओं ने मुस्लिम को जलाया, मुस्लिमों ने हिंदुओं को जलाया, यही समझकर लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इसीलिए तो रावत, मैंने ये डील तुम्हें दी थी। वैसे थोड़ी दया दृष्टि मुझ पर भी दिखा दीजिए। ए इंस्पेक्टर, तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ हो, हमारे साथ रहोगे तो बैंक बैलेंस टनाटन रहेगा। मैं रावत नहीं, काल हूँ, किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। विजय, ये ले जाकर गरीबों में बांट दे बेटा। इस भीषण आग में सबके घर उजड़ गए बेटा, वो सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ले जा, जल्दी ले जाकर सबको बांट दे। कौन हिंदू कौन मुसलमान, किसने किसको जलाया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, मरने के बाद क्या ये सब हम अपने साथ ले जाएंगे? तेरी कसम बेटा। उठ 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 उठ, जा जा जा। पापा, मैंने आपको कंजूस नंबर वन, महाकंजूस करके हमेशा चिढ़ाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये सारी दुनिया आपको कंजूस कहकर बुलाती है, आप इतने बड़े स्वार्थी हो, अपने ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करते और आज जितनी संपत्ति दान दे रहे हो, आप जैसा महान इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने अब तक अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, लेकिन आज तुमने उसकी पहचान दे दी पापा, पहचान दे दी। ए, 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 ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? है ना मेरा बेटा, है मेरा बड़ा बेटा। ये देख, तू नहीं करेगा तो मेरे साथ कौन मजाक करेगा? हाँ, तू मुझसे एक वादा कर। हाँ, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को तू ही आग देगा। सालों से तो नहीं था ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव, अब सडनली कहां से आ गया? जरा सोच कर देखिए, सब समझ आएगा। मैं हिंदू, तुम मुस्लिम, ये सब नेताओं का रचा हुआ षड्यंत्र है बस, और कुछ नहीं। आप इसे इतना भाव क्यों दे रहे हैं? हमारी इस कॉलोनी में आग ना हिंदू ने और ना ही मुस्लिम। ए, ये जात पात पर प्रवचन मत देना। इधर आ, इधर आ, पूछ इन बच्चों से, इन बच्चों की माँ किस जाति की है, बोलो तुम लोग। अब तेरी समझ में आया ना? जिन्हें ठीक से बात करने नहीं आती उन्हें जातिवाद सिखाता है। इनके मन में प्यार भरने के बजाय नफरत के बीज बो रहा है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ तुझे। कौन है ये कौन है? पार्वती, पार्वती माँ, ये कौन है?
रहीम भाई, तेरे बच्चों को किसने पाला? पार्वती बहन ने। तो इसने क्यों नहीं मारा तेरे बच्चों को? समझ में नहीं आया? चला तुझे बताता हूँ सच्चाई। चला इधर अपनी उंगली रख। ये ले। चिल्ला क्यों रहा है? खून ही है ना? ये ले। ये तेरा खून और ये मेरा खून। ये हिंदू का खून और तेरा मुस्लिम का। ये देख, ये हिंदू का खून और ये मुस्लिम का खून। चलो अब इसमें फर्क करके बता, मुस्लिम का कौन सा और हिंदू का कौन सा? बोल, इनमें से दोनों खून तो अलग कर सकता है क्या? दुनिया बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया तो तू कौन होता है करने वाला? ये भारतीय कलम वाली बोलती है कि इनके भेजे में ये सब समझ में नहीं आने वाला। इस बस्ती में तू जैसे लोग रहेंगे तो किसे समझ में आने वाला है? कल तक इस बस्ती में सब लोग भाईचारे के साथ रहते थे। कल तक गणपति बापा को सर पे उठाकर जय गणेश करके नाश्ता नहीं था? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं बोलता था? अब ये सारी बातें भूल गया तू? कोई पराया आदमी अगर आप लोगों में जाति का भेदभाव कर रहा है और आप लोग इस षड्यंत्र की बलि क्यों चढ़ रहे हो? ये हिंदू और मुस्लिम में फर्क करके क्या आप लोग सुखी रह पाओगे? गलती हो गई विजय भाई, गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, देखो क्या हो गया। ए रुक जा वहीं पर। अब यहाँ किस लिए आया है तू और लोगों को क्या जताना चाहता है तू? क्या बोल रहा है? ओ, फोटोग्राफर, टीवी रिपोर्टर, न्यूज़पेपर वालों को साथ में लाया है क्या? फ्रंट पेज पर बड़ा सा फोटो लगाकर ये जताने आया कि मैं देश का भला करने वाला हूँ? थू तुम्हारी तो। खुद की माँ बहन और घर की बेटियों की इज्जत की तुमको परवाह नहीं है? जाओ यहाँ से। भगवान के लिए हमारी बात तो सुनो। एक कदम भी आगे आया ना तो वापस जाने के लिए पाँव नहीं होगा और ना भीख मांगने के लिए हाथ बचेगा। राम रहीम का भेदभाव सिखाने वाले तुम लोग ये बात सुन लो, हम लोग भले ही अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग भगवान की पूजा करते हो, लेकिन हमारा एक ही धर्म है इंसानियत, और कोई भी धर्म हमें इन सबसे अलग नहीं कर सकता। चलो जाओ 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 यहाँ से जाओ। माताओं, भाई बहनों, बड़ी बहन, छोटी बहन, अरे आप लोग आखिर हमें गलत क्यों समझ रहे हो? हम यहाँ अपने दिल से आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। ए, नहीं चाहिए तेरी मदद, चल। हमारे खिलाफ तो इन्हीं लोगों के बीच में खड़ा होकर तू लोगों को भड़का रहा, ये ठीक नहीं है। अबे क्या ठीक नहीं है भाई? उससे पहले हम लोग नहीं छोड़ेंगे। चलो 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 चलो। लीजिए, ये सब आपका है, किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यही ठीक हो जाएगा। आप लोग जरा भी चिंता मत कीजिए, यहाँ मेरे होते हुए कोई कमी नहीं होगी, इसका मैं वादा करता हूँ आपसे। ले लीजिए, ले लीजिए। तुम इंसान नहीं हो बेटे, तुम तो भगवान हो। भगवान, वो भगवान तुम्हें सदा खुश रखे बेटा, सदा खुश रखे। ठीक है, तुम्हारा उपकार चुका, ले लीजिए। आ जा ऊपर। अगर मैंने अपने हाथ से चड्डी पहन ली तो उसे शक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। हे भगवान, ये दिन दिखाने के लिए जिंदा क्यों रखा? अपने हाथ से चड्डी नहीं पहन सकता, मेरा जिंदा रहने का क्या हक है? उठा ले भगवान, उठा ले भगवान, उठा ले। किच्चू, मुझे बुलाना चाहिए था ना? नहीं नहीं, मैंने तुमसे ना जाने कौन कौन से काम करवाए, लेकिन ये चड्डी, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अरे, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो क्या ये नहीं कर सकती? रुको। अरे तुम इतना क्यों फील कर रहे हो? सुनो, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये फिल्मों में ना जाने कैसे लोग अपाहिज का रोल कर लेते हैं। बापरे, बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन हो रही है। अब इस टेंशन में मुझे एक सिगरेट पीनी पड़ेगी। सिगरेट। टेंशन क्लियर। किट्टू बेटा, मैं अभी बताता हूँ। लता, लता। ओहो हो, क्या बात है दुबई के राजा, आज तुम इस तरफ कैसे? वो सब छोड़ो, किट्टू तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। क्या धोखा दे रहा है? उसके दोनों हाथ सही सलामत है। ए, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता ना, तुम अपनी खुद की आँखों से देख लो। चलो आओ। क्या वो क्या कर रहा है वो तुम अपनी आंखों से देख लो। देखो तुम। दुबई, मिस्टर दुबई, आप अपनी टमाटर जैसी आंखों से खुद ही देख लीजिए। हाँ?
मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है तुम्हारा खून करके जेल चली जाओ। लता, अरे लता नहीं, तुम इसका खून करके जेल चली जाओगी तो मुझे पाहिज को कौन संभालेगा? इन सब का कारण मैं हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ। किट्टू नहीं, नहीं लता, अगर ये मेरी आंखों के सामने ही इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो जरा सोचो कि ये बाहर जाकर हम दोनों के बारे में क्या क्या बोलता होगा। मुझसे ये सब नहीं सुना जाएगा, मुझे जाने दो। रुक जाओ किट्टू। सुन लो मिस्टर दुबे, तुम्हारी वजह से आज एक स्वाभिमानी इंसान अपने आप को खत्म कर रहा है, इसीलिए मैंने आज एक फैसला किया है, मैं कल ही किट्टू से शादी करूंगी। लता, एक शब्द और नहीं, अगर तुम्हें वाकई थोड़ी सी शर्म और लाज है तो कल हमारी शादी में मत आना। लता, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। चलिए किट्टू, हम लोग मंदिर जाकर आते हैं। चलो सर, इसमें सारी डिटेल्स हैं सर, इन डिटेल्स से हमारे राज्य में ये सारे काम कौन और कैसे कर रहा है हमें पता चल जाएगा सर। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स और कुछ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं सर। इज इट? इसीलिए ऑफिसर्स कुछ नहीं कर पाते हैं सर। एक बार कमिश्नर अगर इंक्वायरी बैठा दें तो ऊपर से स्टॉप करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं। सबसे ऊपर हमारा संविधान है, हमारा कानून है, आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन सर, मैं जानता हूँ आजकल राजनीति में राजगद्दी पर अच्छे लोगों के बजाय गुंडे और मवाली बैठे हुए हैं। भारती, अगर आगे तुम्हें इंक्वायरी करने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं गृह मंत्री से बात करूंगा। ये बात दिल्ली तक चली गई है, दिल्ली से हमारे राज्य में, राज्य से हमारे शहर में, और शहर से हमारे घर तक चली जाएगी रावत। और इतना ही नहीं, हमारी जान तक में बनाई है। देखो, अब तो बस सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। ये सब किसने किया? वही पेपर वाली लड़की, उस पेपर वाली के साथ अब कमिश्नर भी मिला हुआ है। कौन सा पेपर था वो? अरे वही क्रांतिगिरी नाम का कोई ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है जिसमें वो आर्टिकल लिखती है। ए, सुनो, उठा कर लाओ उसे। क्या कर रही हो डार्लिंग? Thank you.
खरा, घर में इतने महान पुरुषों का फोटो लगा कर रखा है, पेपर में इतनी क्रांतिकारी बातें लिखती है, लेकिन इन सारे सड़क छाप गुंडों के दहशत के सामने तू डर गई? क्यों तेरे पीछे पड़े थे वो लोग? बोल। बताती हूँ। देखिए, आप सबका पैसा मेरी बैंक में सेफ है, कोई भी यहाँ परेशान मत होना। देखो, उसे खत्म करके इन सबको भेज देना। ठीक है, समझ गए ना? ओके सर, थैंक यू। ले पकड़। थैंक यू सर। चलो चलो। रावत के बारे में तू सब कुछ जानता था और तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दीदी आई? दीदी अंदर आ जाओ भाभी। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या दीदी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? दीदी ये सब क्या है? तुझे क्या बताओ, तेरे जीजाजी बहुत अच्छे इंसान हैं, समाज सेवक है, ये सोचकर मैंने उनसे शादी की थी। दीदी जीजा जी ऐसे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सच है बहन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखकर वीडियो रिकॉर्ड किया है, इन सीडीज को मैंने एडिट भी किया है। भारती तुझे सारी सीडीज ईटीवी, जीटीवी, यूटीवी सारे टॉप चैनल्स में पहुंचानी होंगी। मैं नेट पर सारे पेपर्स अपलोड कर रही हूँ, कल सुबह होते ही पूरे देश के सामने रावत की छुपी हुई असली सच्चाई टीवी पर दिखेगी और पेपर में भी पढ़ी जाएगी। दीदी आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। इट्स ओके भारती, मेक इट फास्ट। भारती ओ, तो ऐसा है, दोनों बहनें साथ मिलकर राजनीति कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं जी। मैंने सब सुन लिया, सीढ़ी मुझे दे दो। मत देना भारती, उसे जाकर सही जगह पर पहुंचा दे। भाग यहाँ से। अरे रुक। जल्दी जा। भारती मुझे दो। भारती ए, मेरी बात सुनो, सीढ़ी मुझे दो। ले लूंगी। नहीं दूंगी। मैंने कहा सीढ़ी मुझे दे, इससे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। छोड़ दीजिए, छोड़िए जीजा जी। छोड़ दीजिए। जर्नलिज्म जान लेने से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी छोड़ तू तो मेरी बीवी है ना। मैंने तुझे मंगलसूत्र पहनाया, तुझे अपनी बीवी बनाया, फिर क्या कमी रह गई कि तू मुझे ऐसा धोखा दे रही है? दूंगी मैं, दूंगी धोखा, क्योंकि मेरा पति पैसे लूटता है, जमीन लूटता है, लड़कियों को अगवा करता है, लोगों की जान भी लेता है, ऐसा नीच है। छी छी, मुझे तुम्हें पति कहते हुए भी शर्म आती है। गरीब हो तो भी चलेगा, एक वक्त का खाना खिलाए तो भी चलेगा, एक औरत अपने पति को कैसे भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन तुझ जैसे देशद्रोही को, नीच इंसान को, कमीने को पति कहने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। अगर एक और लफ्ज निकाला तो जान से मार दूंगा। मैं जैसा बोलता हूँ अगर वैसा सुनकर चुपचाप घर में पड़ी रहेगी तो जिंदा रहेगी, नहीं तो मार डालोगे। इतना ही ना, समाज के लिए, देश के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। तो तेरे लिए पति से ज्यादा देश जरूरी है? बिल्कुल सही, मेरे लिए तुमसे ज्यादा देश है। दीदी दीदी छोड़ दीजिए जीजा जी, प्लीज छोड़ दीजिए जीजा जी, जीजा जी छोड़ दीजिए उन्हें, जीजा जी प्लीज, जीजा जी भगवान के लिए छोड़ दीजिए जीजा जी। दीदी दीदी
वीर रावत, मिस्टर रावत, साक्षात मेरी दीदी के पति। ये एक अच्छे इंसान है, ये सोचकर मेरी दीदी ने इनसे शादी की। शादी के बाद उन्हें पता चला कि इनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। उन्होंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब छोड़ दो, ये सही नहीं है, ये क्यों कर रहे हो, हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। समाज को बचाने के लिए इनकी हरकतें पुलिस को बतानी होगी, ये सोचकर दीदी ने एक सीडी बनाकर मुझे दी और उसे न्यूज़पेपर और टीवी में टेलीकास्ट करने को कहा, और वो खुद भी इन्हें इंटरनेट के जरिए एक्सपोज करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। ये रावत, इसने मेरी दीदी को गला घोटकर मेरे सामने मार डाला। देखिए मिस भारती, अपनी बहन के चरित्र को साफ रखने के लिए, छुपाने के लिए मेरे क्लाइंट रावत पर ऐसे बेहुदा इल्जाम लगा रही हैं। सच्चाई क्या है ये बताने के लिए मेरे आई विटनेस मिस्टर रघु को मैं यहाँ कोर्ट में बुलाने की आपसे इजाजत चाहूंगा योर ऑनर, ताकि सच्चाई साफ हो जाए। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, हमारे साहब को शुरू में सौंदर्या कौन थी पता भी नहीं था। उसके रूप को देखकर हमारे साहब ने उसे पसंद किया और उसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। मेरा और उसका शुरू शुरू में संबंध था। शादी के बाद मैंने उससे कहा भी कि तुम्हारे पति बहुत अच्छे इंसान है, समाज में उनका बहुत नाम भी है। अब हम दोनों का इस तरह का संबंध अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी योर ऑनर। जब भी उसके पति घर से बाहर जाते थे, वो हमेशा मुझे अपने घर पे बुलाती थी। एक दिन हम दोनों एक साथ बिस्तर पर थे, तभी उसके पति वहां पे आ गए और हम दोनों को देख लिया। इस घटना से सौंदर्या बहुत डर गई और उसने खुद ही सुसाइड कर लिया। योराना, नो, ये सब झूठ है, मेरी दीदी ऐसी नहीं थी। मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, मेरा सिर्फ सौंदर्या के साथ संबंध नहीं था, बल्कि भारती भी मेरे साथ संबंध रखना चाहती है योर ऑनर। इन दोनों को हम वेश्या भी कह सकते हैं योर ऑनर। ये झूठ कह रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर, सब झूठ है। ये क्या हो रहा है? ऑर्डर। तो अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? रोने की जरूरत तुझे नहीं है, रोना तो इस देश के न्याय को चाहिए, जो है ही नहीं, यहाँ की व्यवस्था जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। भारती, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब द्रौपदी अपवित्र नहीं हुई थी। इस देश पर कितना भी कलंक उछाला जाए तभी हमारा देश कलंकित नहीं हो सकता। पैसा, अधिकार और पावर के लिए जो लोग हमारे घर की बहू बेटी उनकी इज्जत को बेचते हैं, ऐसे लोगों के बोलने से तुम्हारे चरित्र पर दाग नहीं लग सकता। एक बात तुम जान लो, तुम अकेले इनसे लड़ती हो इसलिए कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ साथ नहीं चलूंगा, पत्थर से उन कुत्तों के सर भी फोड़ूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, यकीन मानो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बस बीड़ी पीता हूं जिससे मेरे मुंह से बदबू आती है। अब तुम्हें मेरे साथ रहना या नहीं, तुम ही डिसाइड कर लो। सेटअप और गेटअप तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ ये हाथ नहीं है, ऐसा क्यों? उस दिन रंगा वाली बात बताने गया तो वो उसका मर्डर करने पर उतारू हो गई थी। अगर उसे पता चला कि मैंने झूठ बोला है तो वो मेरा काट काट के कीमा बना देगी। क्या करूं, क्या करूं? लीजिए ना। ये क्या है? बूस्ट है, शक्ति बढ़ाने के लिए। पीजिए ना। बस, बूस्ट भी तुमने पिलाया, ये सब भी तुमने किया, अब आगे कैसे है? देखिए, ऐसा मत सोचिए, भगवान ने हमें जो भी दिया है बहुत अच्छा है। नहीं।
उस भगवान का नाम मत लो लता, उस भगवान का नाम मत लो। आज उसी की वजह से मेरी ये हालत है। इतनी सुंदर बीवी मेरे सामने खड़ी है लेकिन मैं उसे गले नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझ बदनसीब के दोनों लेफ्ट और राइट हाथ कट चुके हैं लता। नाखून कटते हैं तो वो खुद बढ़ जाते हैं, लेकिन हाथ कटने के बाद क्यों नहीं बढ़ते, ये कैसा न्याय है भगवान का? ये मेरे किस जन्म का पाप है? मुझसे क्यों नाराज है भगवान? मेरे पड़ोसी जिसकी आंख नहीं थी उसने बोला नहीं चाहिए, तब भी आपने उसे आंख वापस कर दी भगवान। एक इंसान के लीवर में बहुत प्रॉब्लम थी, आपने उसका लीवर बिल्कुल ठीक कर दिया भगवान। तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है? मैं भी तुझसे मांगता हूँ भगवान, मेरे दोनों हाथ वापस क्यों नहीं करता? नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी सुंदर बीवी को गले नहीं लगा सकता तो मुझे ये शरीर भी नहीं चाहिए। मुझे उठा ले भगवान, मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए, मुझे तेरी भीख भी नहीं चाहिए। मुझे उठा ले भगवान, उठा ले, मेरे प्राण ले ले, मेरा जीवन ले ले, ले ले मेरा जीवन, ले ले, मुझे नहीं चाहिए ये जीवन, उठा ले भगवान। सुनिए, मेरे हाथ वापस आ गए, मेरे हाथ वापस आ गए लता। देख भगवान ने हाथ वापस कर दिए, मेरे हाथ वापस कर दिए भगवान ने। अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी बीवी को गोद में उठा सकता हूँ, मैं अपनी बीवी को गले लगा सकता हूँ। थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान लता। लेकिन आप तो कह रहे थे कि कोई भगवान नहीं होता, देखा ना आपके दोनों हाथ वापस आ गए। जब आप सच्चे दिल से भगवान से मांगते हो तो आपको हाथ क्या पैर भी दे देगा। मेरे लिए एक पैर मांगो ना। एक पैर? तीन पैर का तुम क्या करोगी लता? नहीं जी, मेरे पास एक पैर है। मतलब? दिखाती हूँ। बेकार के लोग, गणेश वो विजय हमारे धंधे में आड़े आ रहा है, वो लक्ष्मी नगर अब रावत नगर बनना चाहिए। लक्ष्मीपति जी, पहले अपना पसीना पोंछ लो। मैंने जो कहा उसे अच्छी तरह ध्यान में रखना, भूलना मत। अब चलता हूं। लक्ष्मीपति जी, अच्छे से सोच विचार कर लेना। पापा वो कौन था? आप इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? कोई बात नहीं बेटी, तुम जाओ, तुम जाओ। अरे पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूं ना, तो मुझे आप क्यों नहीं बता सकते हैं? मैंने कहा ना तुम जाओ। भैया देखिए ना भैया, पापा कब से बहुत टेंशन में है, पूछ रही हूँ तो बता नहीं रहे हैं, आप पूछिए ना भैया। पापा, पापा क्या हुआ, क्या हुआ, कम से कम मुझे तो बताइए, बोलिए ना। कौन था पापा, बताइए ना पापा। क्या बताऊं मैं तुझे, क्या बताऊं मैं, तू उस योगराज के बेटे से प्यार करती है, तेरी खुशी के लिए मैं तेरी शादी उसके साथ। योगराज का बेटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका बाप योगराज दुष्ट है, महादुष्ट। पहले तो उसने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब दहेज में वो लक्ष्मी नगर मांग रहा है, वरना लक्ष्मीपति को वो ऊपर भेज देगा। पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना पापा। अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है बेटा, तू चिंता मत कर। विजय इधर आ, तू इसे ले जाकर खाना खिला, ले जा ले जा।
खाना पीना होता रहेगा, पहले बात बताओ कौन आया था। बताऊंगा ना, टाइम आ गया तो बता दूंगा। हाँ अभी जा, जा जाकर खाना खा ले। पर पापा। अरे बताऊंगा ना, तू जाकर खाना खा ले। ये बात तुमने अगर अपने बेटे या पुलिस को बताई तो तेरे परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। बैठो। देखो लक्ष्मीपति, अब तक के विलन लोगों को अगर कोई भी चीज पसंद आ जाती है तो वो छीन लेते, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपनी पसंद को बिना किसी को दुख पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान किए पाता हूं। मैं तुम्हारे संबंधी योगराज जी से मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूं, इसीलिए इन सूटकेस में 5 करोड़ रुपए है और तुम्हारे सामने ये अग्रीमेंट पेपर है और उसके साथ 2 करोड़ का चेक भी है। देखो गवर्नमेंट के हिसाब से ये परफेक्ट वैल्यूएशन है, इन पे साइन कर और पैसा ले जा, ये सीधा हिसाब है। लक्ष्मीपति कांग्रेचुलेशन यार, कांग्रेचुलेशन, आज तो तू करोड़पति बन गया यार। योगराज, तू उस दिन मेरी बेटी का हाथ मांगने आया था, आज कैसी गंदी बातें कर रहा है। कूल डाउन यार। तेरे लिए इस वक्त ये अच्छा रहेगा, इससे बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती नहीं, है। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पीता, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा मैं। शाबाश। योगराज, तू धोखेबाज है, धोखेबाज, मेरे साथ धोखा किया है तूने। योगराज, अरे तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, धोखेबाज लोग। लक्ष्मी नगर आज से रावत नगर हो गया। लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, देख तेरा घर आ गया, ठीक सामने ही है। जाओ।
पापा चले गए भैया। देखो रात में खूब दारू पीकर नशे में ट्रैफिक में चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। नहीं, मेरे पापा पीते नहीं थे, ये दारू नहीं पीते थे, ये खून है, ये एक्सीडेंट नहीं, ये खून है। ओह डॉक्टर, वो आपने पोस्टमार्टम किया था ना, इनको रिपोर्ट दिखा दे जरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी। इट इज ट्रू, दिस इज रिपोर्ट। ये रही रिपोर्ट, आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं। रिपोर्ट, कानून भी आपका, कोर्ट भी आपका, यहाँ डेड बॉडी फ्री, क्या करेंगे इस रिपोर्ट का? ए लक्ष्मी, थोड़ा पानी लेके आए, इसकी चटनी बनाकर थोड़ा इन्हें और डॉक्टर को दे देता हूँ खाते बैठे। अरे मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये देख के तो मुझे भी दुख हो रहा है। अरे बाप रे, आप दुखी मत होइए सर, आपके आंसू मेरे बाप के शरीर पर गिरेंगे तो शरीर भी जलकर राख हो जाएगा। कृपया इतना कम तो हमें करने दीजिए, जाइए ऐसे जाइए। चलो लक्ष्मी। मेरी चिता को तो ही आग देगा। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण मैं हूँ? हाँ, आपकी वजह से मेरे पिताजी का खून हुआ है। कानून की नजरों से तुम बच सकते हो, लेकिन तुम मेरी नजरों से नहीं। पैसों की वजह से बनाया गया ये रिश्ता आज से खत्म। लक्ष्मी रुको। देख लिया ना बेटा, क्या इल्जाम लगा रही है, देख ले। घर के अंदर हुए धोखे की असलियत भी आज सामने आ गई है पापा। आपके पास करोड़ों की जायदाद है, लेकिन आप समाज के सबसे गरीब आदमी हैं। ये इसलिए क्योंकि जो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला था, उस बेटे के खून का रिश्ता आज खत्म हो गया। पैसों के लालच के साथ रहने से मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं मेहनत करके दो रोटी कमाऊं और शांति से अपना जीवन बिताऊं, समझे आप? चलो लक्ष्मी। विकी, प्लीज मत जा बेटा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भैया भैया, ये वही आदमी है जो उस दिन हमारे घर आया था। बिल्कुल सही कहा, उस दिन मैं ही आया था और आज यहाँ तुम दोनों की चिता भी मैं ही जलाऊंगा, उसके बाद सिर्फ राख बचेगी। घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, पहले मेरी चिता में आग लगा, बाद में मेरी बहन को आग लगाना। चल आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। ए, मारो इसे। Ha ha ha!
हेलो ए बाहर निकल बे, तेरे भेजे हुए टट्टू को मैंने खत्म कर दिया है। तू भीगी बिल्ली की तरह घर में क्यों छुपा बैठा है? चल बाहर निकल, अगर मर्द है तो निकल बाहर। मुंह बंद कर अपना, तुझे इस हद तक बात करने दी यही मेरी गलती है। तू अगर सच में मर्द है ना तो कल रात को होने वाली शिवरात्रि की पूजा में मिल, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। हाँ चल आजा पूजा में, तेरी पूजा तो मैं करूंगा, तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी ये। तेरे पाप का घड़ा तो पूरा भर चुका है और उस घड़े को मैं ही फोड़ूंगा। चल आजा पूजा में, तुझे दिखाता हूँ, मिलते हैं वहाँ पे। जाग जाओ रुद्रा, तोड़ो अपनी निद्रा, नीलकंठ नमः शिवा। पापी को मिटा जा, दुष्ट को जला जा, नेत्र खोल दे तीसरा, जय शिव शंकरा। जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव शंभो।
हेलो, भगवान, रावत को तो उसने कैलाश पहुंचा दिया, अब हमारी क्या गति होगी? अरे भगवान बचाओ। हेलो कमिश्नर साहब, हमें सिक्योरिटी चाहिए, अगर वो रावत को कुत्ते की तरह मार सकता है तो हमारा क्या करेगा? सर आप कोई टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, सारा इंतजाम कर दूंगा। कुछ होना नहीं चाहिए। ओके सर। इम्पॉसिबल, वो विजय बहुत ही अच्छा काम करने निकला है। अगर इस समय हम तुम जैसे लोगों को सिक्योरिटी देंगे तो हमारी पहने हुए खाकी वर्दी के साथ धोखा होगा। दिनों तक तू इसी पेन से लोगों के साथ अन्याय कर रहा था ना, आज मैं इस पेन से तेरे साथ न्याय करूंगा। न्याय के हथौड़े से तूने ऑर्डर करके ना जाने कितने बेगुनाहों के मुंह बंद किए हैं, आज इसी से मैं तेरा परमानेंटली मुंह बंद कर देता हूँ। चल। नहीं, नहीं, नहीं। ए, गरीबों की जमीनों को छीन कर उस जगह पर तूने ये बिल्डिंग पर बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स पर कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स बनाए हैं। ये सब क्या तू अपने बाप की जागीर समझता है? जागीर समझता है? ए, तेरी असली जागीर कौन सी है ये मैं बताऊं तुझे? ये देख, ये देख, 6x3, 6x3 जगह। इसके लिए पार्किंग, बेडिंग, वाटर, रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये तो तेरा परमानेंट एड्रेस होगा। चल जा इसी के अंदर परमानेंटली। ये खाकी कपड़े पहनकर ही तू लोगों के साथ अन्याय करता आया है ना, आज यही खाकी वर्दी तुझे खत्म कर देगी। गेट बैक, आई से गेट बैक। पिल्लो, इस कुर्सी के लिए तुम लोग बाप माँ दीदी बहन देश भाषा धर्म सबको बेच देते हो, ना रहेगी ये कुर्सी और ना रहोगे तुम लोग। ये लो, कुर्सी के लिए मरते हो ना? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो।
इन कत्लों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? कहकर करने वाला मनुष्य होता है, कहकर ना करे वो कायर होता है, और जो बिना कहे कर दे वही भगवान होता है। किए काम को बार बार बोलकर दोहराना आपका टाइम वेस्ट, कोर्ट का टाइम वेस्ट, पूरे देश का टाइम वेस्ट है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, आप अपना कर्तव्य निभाइए योर ऑनर। डोंट वेस्ट टाइम। सचिव देवराज पाटिल, अपोजिशन पक्ष के नेता चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति जगन्नाथ, बिल्डर योगराज, पुलिस इंस्पेक्टर शिवरंजन गोपाल और रावत को जनता के बीच सरेआम खून करने वाले अपराधी विजय को न्यायमूर्ति विष्णु प्रसाद ने फांसी की सजा सुनाई है। वो पागल समझता है कि उसने रावत को मार दिया है। मैं मर गया हूँ ऐसा तो सारी दुनिया समझ रही है। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, ये उसे क्या पता था? क्या पता था उसे? विजय, विजय, मैं तेरे हाथों से कैसे मर सकता हूँ? मैं कभी नहीं मर सकता। नहीं मर सकता। विजय, कल तुम्हें फांसी होनी है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। वहां रहे अपने लिए, यहां रहे मजे के लिए, ऐसा बड़े लोग कहते हैं। पर काफी लोग तो ऐसे ही पड़े होते हैं, ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। मरने से पहले ना जाने कैसी कैसी ख्वाहिश करते हैं, पर वास्तव में उन्हें क्या चाहिए उन्हें खुद नहीं पता। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, ना ऐसे ही जिया और ना ऐसे ही मर रहा हूं। जरा सोचिए, मुझे तो मेरे मौत की तारीख भी पता है। जरा सोचिए मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैं जब पैदा हुआ तो मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। मेरी मां ने मेरे हाथ पर जुआरी कुदवा दिया और जीते जी मुझे इस जन्म में अपनी शक्ल मत दिखाना कहा था। इस समाज के सभी लोगों के सामने और अपनी मां के सामने मैं मरना चाहता हूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मरते दम तक तेरी शक्ल नहीं देखूंगी ऐसा कहा था ना तूने, और मैंने भी ये कहा था कि मैं भी मरते दम तक अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब कल तो मैं मर रहा हूं, इसलिए मेरी शक्ल तू देखने के लिए आई है मां। मैं जीते जी तेरा मुंह नहीं देखूंगी ऐसे कहा था, ये बात सच है। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर में तेरे बारे में पढ़ा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई बेटा। मेरे लाल, आज तू एक महान देश सेवक आदमी का पोता है, ये मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है। मेरे लाल, मेरा जन्म सार्थक हो गया, सार्थक हो गया। अब मेरा बेटा धर्मात्मा या नायक की तरह लग रहा है। आज मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म जन्मांतर तक तुझे ही मेरा बेटा बनाकर पैदा करे। तू ही हर जन्म में मेरा बेटा बने। माँ, इस जन्म में मैंने तेरा बेटा बनकर क्या कर दिया? बस ये आंसू और दुख। अगले जन्म में कम से कम एक लायक बेटा मिले, ये प्रार्थना करना। नहीं रे, तूने भले ही अपनी माँ को रुलाया है,
लेकिन इस समाज की ना जाने कितनी माओं के आंसू पोंछे हैं तूने बेटा, लेकिन मुझे एक ही गम खाया जा रहा है, मेरे वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं होगा बेटा, कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माँ, मैं बढ़ाऊंगी आपका वंश। बुद्धि तो तेरी ठीक है ना, कल सुबह जो आदमी फांसी पर लटकने वाला है उसी के हाथों से तू मंगलसूत्र पहनना चाहती है। एक कायर की बीवी बनकर 100 साल जीने से अच्छा है तुम जैसे शूरवीर की बीवी बनकर एक दिन जीऊं। नहीं भारती, इस जुआरी की ऐसी किस्मत कहां, इस जुआरी की ऐसी किस्मत कहां। नहीं, तू जुआरी नहीं है बेटा, तू जुआरी नहीं है, तू तो एक महान पुरुष है, तो अगर महान नहीं होता तो ये सब पुण्य काम नहीं कर पाता, सब गलती मेरी थी, मेरी थी गलती। लाई धर तू जुआरी नहीं है, नहीं है तू जुआरी, नहीं है, नहीं है तू जुआरी, तू जुआरी नहीं है बेटा, नहीं है तू जुआरी। पहना दे, पहना दे इसे। एंट्री फ्री, मुफ्त का शो सुनते ही सब अपना काम धाम छोड़कर मेला देखने के लिए जमा हो गए। ऐसा फ्री शो देखने का सौभाग्य सबको कहाँ मिलता है, सबके सामने मुझे फांसी दी जा रही है। फांसी के बाद आंखें कैसी बाहर निकलेंगी, मेरी जीप कैसे बाहर निकलेगी, मेरी बॉडी कैसे छटपट आएगी, ये सब देखकर मजा लेकर अपने घर पे चले जाओगे, फिर मेरा चैप्टर क्लोज फिनिश। हाँ, लेकिन आपकी स्टोरी खत्म नहीं होगी, आज रात यही स्टोरी क्राइम ब्रांच क्राइम स्टोरी में मक्खन लगाकर दिखाएंगे, उसको आप सब देखोगे, मजाक बनाओगे, डिस्कस करोगे, सू सू करके सो जाओगे। ठीक है, वैसे भी जो देखते हो जो सुनते हो वो भूल जाते हो, इस देश का विनाश भी ऐसे ही देखकर भूल जाओगे। जैसे एक बकरी हलाल होती है तो बाकी की बकरियां कैसे देखती है, ठीक वैसे ही देखते रहना, कुछ भी सुनो, कुछ भी देखो, कुछ भी बोलो, लेकिन आप लोग नहीं बदलने वाले। टूटी फूटी सड़कें, कम पानी, बिजली, समाधि, सबको स्वीकार कर लिया, इस नरक को कभी स्वर्ग बनाने का सोचा ही नहीं। वोट मांगने जब आते हैं तब सड़क क्यों नहीं बनी, कब रेडी करोगे, ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। अरे आप लोगों में थोड़ी सी भी आग नहीं है, लाश लाश की तरह जी रहे हो सब लोग। मुझे क्या वो करे तो मुझे क्या करना है, यही बोलने वाले लोग हो आप लोग। मुझे 2 टाइम की रोटी मिल जाए, उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में, उसका कुछ भी हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इस देश में पैदा होने चाहिए, हाँ होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होने चाहिए। अंधेरे में रहने की आदत हो गई आप लोगों को, रोशनी दिखाओ तो आंखों में चुपती है, बहुत चुपती है, इसलिए अंधेरे में रहकर अपना जीवन कोसते रहोगे। वो मर गया तो मुझे क्या करना है, बस हम खुश रहने चाहिए, ये स्वार्थ है। इस स्वार्थ में आप लोग अपना वोट भी बेच चुके हो, जाति धर्म भाषा साड़ी चड्डी चप्पल शराब ये सब कम पड़ा तो नोट के लिए बेच दिया है आपने आपको वोट के लिए। कुछ भी हो जाए बस मैं ठीक रहूंगा, बाकी दुनिया जाए तेल लगाने, मुझे क्या, ये आपका स्वार्थ है, ये आपका पाप है। आज रह सकता है लेकिन कल आपके बच्चे आपको दिखाएंगे, ये याद रखना मेरी बात। एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ बांध दिया जाए तो उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। मास्टर ने बचपन में ये पाठ मुझे सिखाया था लेकिन अब तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ ये बात। हाँ, लेकिन अब आगे के बच्चों को ये सब कौन सिखाएगा, कौन ये सिखाएगा बोलो। अरे भूत की तरह क्यों खड़े हो, आज मुझे फांसी दी जा रही है, कल किसी और को दी जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस देखते रहिए। तुम्हारी तरह जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं इस तरह मर जाऊं, ये बेहतर है। हाँ, ए भैया मेरी कहानी खत्म, चल क्लाइमेक्स ओवर, सरकार का काम, भगवान का काम, अपना काम जल्दी करो, चलो खत्म करो, चलो चलो चलो। अरे चल भाई जल्दी कर, मुझे इंतजार नहीं करना है, चल। एक मिनट रुकिए, जेलर साहब
ऐसे लोगों को फांसी नहीं देनी चाहिए। समाज के द्रोहियों को इसने खत्म किया है। इसने जो भी किया है उससे हमारे समाज का भला हुआ है। इनके क्षमा याचना के लिए भारती और इनकी मां ने राष्ट्रपति से विनती की थी। राष्ट्रपति ने इस केस को देखा और उस पर अपना फैसला दिया है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी देना मानवीयता के आधार पर ठीक नहीं है, इसलिए इनको माफी दी जाए। विजय! विजय! आ, भागो मेरा बच्चा!